भाईजान जन्नत इसे कहते हैं। इनको जितना मर्जी देख लो आपका दिल नहीं भरेगा। ये देखो सबसे पहले आबशार। ढाई घंटे जेब का ट्रैक कर हम रत्ती गली बेस कैंप पहुंच चुके थे। ये है जी बेस कैंप, रत्ती गली बेस कैंप। ये सारी कैंपिंग है जी। ये है मंजूर भाई, वैसे तो ये लाहौर लीड यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं, लेकिन गर्मियों के दो माह रत्ती गली बेस कैंप पे सेवन हेवन नामी ढाबा चलाते हैं। मंजूर भाई से नाश्ता करने के बाद रत्ती गली लेक के ट्रैक के लिए निकलने ही वाले थे कि अफाक भाई ने एक खुशखबरी सुना दी। की गवाचे? आईडी कार्ड थे, एटीएम कार्ड डिग गए ने यार, पैसे कार्ड तो डिग गए हमें। ये वो हमने डंडे लिए ट्रैकिंग के लिए, कितने का भाई? 30 रुपए का लिया रेंट पे, ठीक है। अभी हम बस ट्रैक शुरू कर रहे हैं यहाँ से, चल कुछ नहीं रूम वगैरह जो देख ले यार। बाकी फाग भाई आपके सामने वो करा चुके हैं, तो इंशाल्लाह वो भी ढूंढेंगे। अभी ट्रैक के लिए निकल देंगे। रत्ती गली बेस कैंप से रत्ती गली लेक तक जाने के दो तरीके हैं। यहाँ तो आप पैदल ट्रैक कर जा सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ से एक घोड़ा भी रेंट पर ले सकते हैं, जो कि आपसे 2000 रुपये चार्ज करेगा वन वे के। लेकिन हमने पैदल जाने का फैसला किया क्योंकि ट्रैक बहुत ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से हम इस सीनरी को इंजॉय करना चाहते थे। ट्रैक इतना टफ था कि अभी 5 से 7 मिनट हुए थे ट्रैक करते हुए, तो हमारे सांसों के हालात आप देख सकते हैं। अभी हमें हुए हैं 10 मिनट ट्रैकिंग को। रोड फुल ऊंचाई वाला एक रोड है ये, और हम ले रहे हैं ये शॉर्टकट। अल्लाह अकबर। करीब 15 मिनट ट्रैक करने के बाद हमने लिए एक वाटर ब्रेक, और पानी पीते पीते जिन सीन्स का हम नज़ारा ले रहे थे, क्या बात थी। हाय हाय हाय, इन सीनों को देख के ना मज़ा आ जाता है। देखें क्या ग्रेट टू ट्रिंग है यार, निकलते हैं भागे। यहाँ पर ऊपर जाने के दो तरीके थे, हर तरफ से एक शॉर्टकट भी निकलता था और एक मेन ट्रैक बनाया गया था। इस बार हमने ट्रैक लेने की सोची, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। लेकिन शॉर्टकट छोटा तो होता था, लेकिन टफ ज्यादा होता था क्योंकि वो एकदम से ऊंचाई पर जाता था। जैसे जैसे हम लेक के करीब पहुंचते चले जा रहे थे, रास्ता तो कमाल का होता चला जा रहा था, लेकिन ट्रैक भी उसी के साथ साथ टफ होता चला जा रहा था क्योंकि हाइट बढ़ती जा रही थी। हमें आधा घंटा हो गया भजन ट्रैकिंग करते हुए। वो रोड जा रहा है ये इसके पीछे रत्ती गली है लेक, और एक खूबसूरत सी लेक, और ये इसके कुछ सीन, क्या खूबसूरत है। ये ट्रैक है भैया छोटा था, ये जिस पे हम मैं खड़ा हूँ ये नीचे खाई है, और इस ट्रैक पर हमने चढ़ना है। ट्रैक की तरफ ध्यान देते हैं, खतरनाक है थोड़ा सा। काफ़ी करीब आ चुके हैं हमें, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है ट्रैकिंग करते हुए, और हम आए वहाँ से वो नीचे से ये नीचे से, और जाना हमें कहाँ है वो ऊपर। और ये व्यू है कुछ यहाँ के खूबसूरत से व्यू, हम आपको दिखाते रहेंगे। हम बादलों के करीब चलते जा रहे हैं। दो घंटे की ट्रैकिंग के बाद जो सीन देखने को मिला है भाई जब, ये वर्थ करता है। 2 घंटे इसकी ट्रैकिंग वर्थ है। सीन चेक कीजिए आप, क्या खूबसूरत है। सारा ग्लेशियर, सेंटर में झील, चारों तरफ पहाड़, क्या बात है। 2 घंटों की ट्रैकिंग के बाद जो हमने नज़ारा देखा, हमारी सारी थकावट उतर गई। और अगर इस जगह को रत्ती गली लेक के अलावा जन्नत भी कहें तो ये गलत ना होगा। है भाईजान जन्नत इसे कहते हैं, जन्नत। हाँ जैसे जैसे करीब जा रहे हैं जन्नत में मज़ा आ रहा है। ये छोटी सी दुकान है, आप यहाँ से कावा वगैरह पी सकते हैं। नहीं भाई नहीं, ये कावा हो साथ में और सामने ये सीन हो, क्या बात है, मजा। अब हम बस निकल रहे हैं, व्यू एंजॉय कीजिए फुल 360। ये था भैया, ये था फाइनल व्यू ऑफ 360 रत्ती गली लेक। अभी हम वापस नीचे
ट्रैक करके निकलेंगे नीचे की तरफ, तकरीबन वापसी बहुत आसान होने वाली है। तो मिलते हैं आपको फिर वापस जाकर। ये व्यू है नीचे जाने के, यहाँ से हम जाएंगे घूमते हुए वहाँ पे, यहाँ पे ऊंचाई का आप ध्यान कर सकते हैं हम कैसे आए होंगे। बाकी अब अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। बाकी मिलते हैं आपको बेस कैंप जाकर। कैंप के काफ़ी करीब आ चुके हैं, तकरीबन और 10 मिनट लगेंगे हमें, हम नीचे उतर जाएंगे। अभी हम खड़े हुए हैं इन व्यूज़ का मज़ा लेने के लिए। इनको जितना मर्जी देख लो आपका दिल नहीं भरेगा। ये देख लो सबसे पहले आबशार साल लेक, क्या बात है, ये शायद सब फोटोग्राफी करा रहे हैं। ऊपर वो देखो यार, क्लाउड्स बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर है। ये अजीम भाई साजिद और नकाश बैठे हुए हैं, क्या मज़ेदार चीज़ है यार। और जो है लेक वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेक है, इसकी इसकी बिल्कुल बैक साइड पे लेक है, इस पहाड़ को क्रॉस करते ही लेक है। तकरीबन आधे घंटे की डाउनहिल ट्रैकिंग के बाद हम प्रतीक गली बेस कैंप पहुंच चुके थे। जाते हुए हमें 2 घंटे लगे थे लेकिन वापसी हमने आधे घंटे में कर ली थी। ये हमारी गाड़ी है, रेडी है निकलने के लिए, हम निकलते हैं यहाँ से। फिर से भेजा ग्लेशियर वाली जगह वापसी पर। करीब शाम 4:30 बजे रत्ती गली लेक से हम दुवारियां बाजार वापस पहुंच चुके थे और अब हम दुवारियां से मुजफ्फराबाद तक के सफर के लिए मुकम्मल रेडी थे। बस अपना सामान वगैरह बाइक पर बांध रहे थे और निकलने ही वाले थे कि हमने देखा कि हमारी एक बाइक पंचर है। ये भी अल्लाह का शुक्र है बाइक दुवारियां बाजार में ही पंचर हुई, तो हमने फौरी पंचर लगवाया और अपने सफर का आगाज किया। दुवारियां से निकले हुए हमें 1.5 से 2 घंटे हो चुके थे लेकिन अभी भी मुजफ्फराबाद 2-40 किलोमीटर बाकी था और यहाँ पर नीलम वैली की दूध खत्म हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि दुवारियां से आगे का तमाम रोड कारपेटेड है जिसकी से हम अच्छी स्पीड मेंटेन कर पा रहे थे। ये बैजन की डैम है, ये मुजफ्फराबाद शारदा से मुजफ्फराबाद के रास्ते में आता है। बाद जाते हुए रास्ते में रुककर हमने कई जगहों पर पानी वगैरह पिया और कुछ रिफ्रेशमेंट ली। करीब रात के 8 बजे हम मुजफ्फराबाद सिटी पहुंच चुके थे और होटल वगैरह लेकर अच्छी तरह नहा के फ्रेश हो चुके थे। मुजफ्फराबाद का व्यू नजर आता है वो दिखाता हूँ, थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा मुझे उसके लिए। मतलब ये होटल की पार्किंग है रूम, ये हमारा रूम है, ये सामने में जो लाइट नज़र आ रही है और पार्किंग में ये है। ये सीन है जी मुजफ्फराबाद का, ये देख लें, ये तकरीबन कंप्लीट मुजफ्फराबाद है। ये